ओके वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक डिजिटल में नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सर्किट्स के ऊपर है। तो सर्किट्स में सबसे पहले हम सर्किट्स लेते हैं, जिन जो बहुत एग्जांपल जो हम लेंगे, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम अंदर हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर को हम ले रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर बहुत एक इंपॉर्टेंट सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर का दरअसल काम ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, एक पर्टिकुलर अपने उसमें से इनपुट सेलेक्ट करना है और उसको फॉरवर्ड करना है किसी फंक्शन के थ्रू। तो ये वाला जो सर्किट होता है वो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। इसलिए मल्टीप्लेक्सर का जो दूसरा नाम है वो होता है डेटा सेलेक्टर, बिकॉज इट सेलेक्ट्स वन डेटा इनपुट फ्रॉम गिवन एन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड इट फॉरवर्ड्स दैट। अब ये जो एक डेटा है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, वो सिलेक्शन डिपेंड करेगा सिलेक्शन लाइन्स पर। तो इसलिए जो इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये तीन तरह के डिफरेंट पैरामीटर कंटेन करेगा। पहला पैरामीटर होता है नंबर ऑफ इनपुट, दूसरा पैरामीटर होता है आउटपुट फंक्शन एंड थर्ड पैरामीटर इज नोन एज माय सिलेक्शन लाइंस। तो बात करते हैं कैसे कैसे होगी। अब ये नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, अप टू 2 की पावर n मानते हैं हम इनको। अप टू 2 की पावर n क्यों कहते हैं, इस लॉजिक को मैं आपको क्लियर करूंगा कि अप टू 2 की पावर n क्यों है, 2 की पावर n है क्यों नहीं ले रहे हम। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आउटपुट्स यानी कि जो फंक्शन है वो एक होता है आपका हमेशा, और सिलेक्शन लाइन्स यहाँ पर जाती है आपकी k, जिसमें हम बात करेंगे। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि ये निकालते कैसे। मान लीजिए आपके पास इनपुट है 4, कितने इनपुट हैं 4। तो अगर 4 इनपुट हैं तो यहाँ पर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो 2 की पावर k इक्वल टू 4 हम लोगों ने किया, तो k इक्वल टू हमारा हो गया log 2 log 4 बेस 2 दैट इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स यहाँ पर आपकी लाएंगी 2। अगेन फिर क्लियर करता हूँ एक और एग्जाम्पल। अगर आपके जो इनपुट्स हैं, मान लीजिए आपके नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो 8 हैं, तो फिर आप 2 की पावर k इक्वल टू आप 8 करोगे, तो k इक्वल टू आपको हो जाएगा log ऑफ 8 बेस 2 दैट इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इन केस यहां पर आपकी जाएंगी 3। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी जाएगी 3, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सिलेक्शन लाइंस इक्वल टू 3। व्हाट इफ अगर क्या होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो जाती है, जैसे कंडीशन कैसी होती है, कंडीशन ये होती है कि 2 की पावर n अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती, अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट्स मान लो किसी ने दे दिया 14 इनपुट्स हैं, भाई इसके लिए भी तो मल्टीप्लेक्सर बनेगा ही, जरूरी थोड़ी है कि हर बार आपके केस में 2 की पावर n में वैल्यू है। तो 14 के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे 14 कहां एग्जिस्ट करता है। तो दो ऐसी वैल्यू लेंगे 2 की पावर k माइनस 1 और 2 की पावर k, इनके बीच में 14 एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जिस्ट करेगा 14 जो एग्जिस्ट करेगा 8 और 16 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये मिनिमम वाले को छोड़ के मैक्सिमम वाले की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये 14 के लिए भी वही बिहेवियर होगा जो 16 के लिए, इसलिए ये वर्ड अप टू लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो हमको नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन निकालनी होगी, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 16 को लेकर। तो यहाँ पर भी क्या लेगा, 2 की पावर k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू जाएगा log ऑफ 16 बेस ऑफ 2 इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इस केस में कितनी हो जाएंगी 4। तो ये सिंपली एक एनालिसिस हुआ इसका कि कैसे हम इसको सिलेक्शन लाइन्स को लेते हैं, कैसे हम बाकी चीजों को कंट्रोल करते हैं और कैसे इनको देखते हैं। तो अब सिंपली सिलेक्शन लाइन हमने निकाल ली, सब कुछ निकालते हैं। अब हम इसके ट्रू टेबल की ओर बढ़ते हैं। ट्रू टेबल निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, एक बार में एक इनपुट सेलेक्ट होगा भी, तो जैसे आपके मतलब मान लीजिए हम 2 क्रॉस 1 तो बहुत छोटा है, क्या बनाए 4 क्रॉस 1 मक्स बनाते हैं। तो 4 क्रॉस 1 में i0, i1, i2 और i3 ये आपके इनपुट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर एफ लगेगा अगर ये इनपुट लाइन सेलेक्ट हो रही है, उसके बाद सिंपली ये बनेगी, उसके बाद ये बनेगा और ये हो गया। हियर आपके सिंपली i0, i1, i2 and i3 ये आपका सेलेक्ट हो गया और निकल जाएगा। तो इसकी ट्रू टेबल दैट इज वेरी इजी। सो इसके बाद जब हम ये देखते हैं इस कैलकुलेशन को, जब हमने ये निकाला और इसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि इस कैलकुलेशन के बाद अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे मल्टीप्लेक्सर का बनेगा। तो सर्किट डायग्राम जब हम लोग निकालना चाहते हैं, तो सर्किट डायग्राम के लिए हमने सिंपली यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये हम लोगों ने सर्किट डायग्राम भी जो बना रखा है, ये भी मैंने 4 क्रॉस 1 का मक्स ले रखा है, इसको बनाया है। तो 4 क्रॉस 1 के लिए नंबर ऑफ इनपुट तो हो गए 1, 2, 3, 4 इनपुट हो गए। 4 इनपुट के बाद मैंने सिलेक्शन लाइन्स ली, तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन्स कितनी निकलेंगी, 2 की पावर k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू हो गया 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स होगी s1 और s2, ठीक है। अभी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी बुक में जो आपके नॉर्मली 0 और 1, 2 नहीं लिखे, मैं भी 0, 1 ले लेता हूँ, क्योंकि डिजिटल नॉन काउंटिंग 0 और 1 से स्टार्ट करते हैं। तो s0 और s1 दो सिलेक्शन लाइन से यहाँ पर होगी। तो सिलेक्शन लाइन्स लेने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, देखो सिलेक्शन लाइन्स की जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्या बनेंगे सिलेक्शन लाइन्स की कॉम्बिनेशन,
मान लीजिए ये आपकी S0 है और ये आपकी S1 है, ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन आपके क्या बनेंगे? इसके बनेंगे आपके 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो यहाँ पर आपका 0 0 पर आपका I0 सेलेक्ट हो जाएगा, 0 1 पर ये देखो ये आया ना 0 और ये आया 0, 0 0 पर I0 गया, तो यहाँ पर इनका एंड ऑपरेशन हो गया। यहाँ पर आ जाएगा I1, हियर I2 एंड हियर I3। अगर हम इसको रिनोर में यहाँ पर इसकी बात करें ऐसे सिलेक्शन लाइन के साथ निकाल देना, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास दो सिलेक्शन लाइन से S0 और S1, और यहाँ पर जो मेरा फंक्शन सेलेक्ट होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर देखते हैं। अगर ये दोनों 0 0 होंगे तो I0 सेलेक्ट होगा, ये आपका 0 1 हो जाएगा तो I1, ये 1 0 होगा तो I2, और ये 1 1 होगा तो ये I3। ये सिलेक्शन हम बहुत इजीली यहाँ से देख रहे हैं, ये देखो ये S1 का भी वन आया, ये S0 का भी वन आया, I3 सिलेक्शन हुआ, यहाँ चले गया। इसके बाद ये सारे सारे जितने एंड गेट हैं हम इसको एक और गेट के थ्रू पास करते हैं और यहाँ हम इसको फंक्शन के तौर पर पास कर देते हैं, तो बस हो गया। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से एक्टिवेशन एक बार में एक ही कॉम्बिनेशन का होगा, जिस कॉम्बिनेशन का इनपुट होगा वो मेरा फंक्शन वाली वैल्यू उसको बाहर पास करेगी। गेटिंग ओके, तो ये तो मल्टीप्लेक्सर का जो डेटा सिलेक्शन का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये हो गया कि मल्टीप्लेक्सर कैसे डेटा सिलेक्टर की तरह यूज होता है। अब मल्टीप्लेक्सर के डेटा सिलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर मुझे कोई फंक्शन दिया होता है बूलियन फंक्शन, उसको मल्टीप्लेक्सर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग मक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा पूरा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको दिखाई देगा इंप्लीमेंटेशन, ये आपको मल्टीप्लेक्सर से बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपली सबसे पहले बहुत छोटा सा बुलियन फंक्शन लेता हूं मैं, आप मान लीजिए हम एक f इक्वल टू आई एम टेकिंग एनी फंक्शन कुछ भी ले रहा हूं मैं, f इक्वल टू मान लीजिए आपने सिग्मा लिया ना, आपने ले लिया 0, 1, 3, 5, 7, ऐसे छोटा सा फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, हम सिंपली इस फंक्शन को ट्रू टेबल में ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो देखते हैं फिर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ट्रू टेबल ड्रॉ करने के बाद फिर हमारी बाकी की स्थितियां क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ट्रू टेबल बनाते हैं। अब ये 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 की पावर 3 = 8 होता है, तो इनपुट के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई और जेड ऐसे आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 0 0 0 0 0 1, उसके बाद 0 1 0 0 1, फिर उसके बाद 1 0 0, फिर 1 0 1, अगेन 1 1 0 एंड अगेन 1 1 1। ये हमने सिंपली ट्रू टेबल बनाई और यहाँ पर f की वैल्यू में इंडिकेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वहां पर 1 करूंगा, जो ऑप्शन होगी वहां पर मैं 0 लिखूंगा। तो हियर दिस इज 1, दिस इज 1, 0 1 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, उसके बाद चलो मैं 5 तक ही लेता हूँ, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद 6 नहीं है और 7 नहीं है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, इसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहले ऐसे करके मक्स बना। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसको, बहुत सिंपल सा लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन, एक टेबल बनाऊंगा अभी एक झटके में आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन लाइन किसको ले रहे हैं। पहले मैं ये काम कर रहा हूँ टेकिंग जेड एट सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है, क्या करूंगा जेड को मैं सिलेक्शन लाइन की तरह ट्रीट करूंगा। कैसे आए अभी बहुत इजी काम है, देखते रहो जल्दी हो जाएगा झटके में। 0 1 3 5 है ना, हेयर 0 हेयर 1 हेयर 3 एंड ठीक है चलो 5 ही ले लेते हैं, और मैं जैसा करता हूँ उसको 5 की बजाय मैं लेता हूँ 4 लेता हूँ, तो एक और आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। 4 अगर मैं इसको ले लूँ तो कोई बात नहीं, 0 0 4 4 5 में आप, मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ डेटा, क्योंकि आई थिंक द एग्जाम्पल इज मोर अप्रोप्रिएट 1 0। हाँ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मुझे सिलेक्शन करना था, हेयर आई एम गेटिंग दिस, ये जेड एस वन जेड में डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना कि सिंपली जैसे जो बन रहा है, ठीक, वन इज दिस एंड वन इज दिस। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, अब इसके अंदर हमको करना क्या होता है, अब मेरे इसमें इनपुट लाइन्स होंगी, इनपुट लाइन्स हो जाएंगी ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ I0, I1,
I2 और I3। अगला स्टेप इम्पोर्टेंट है, वही स्टेप सारा काम आपको पूरा कर देता है। क्या स्टेप होता है वो? वो होता है कि अगर ये दोनों सेलेक्ट होते हैं तो वैल्यू इक्वल टू वन, अगर ये अप सिलेक्शन कैसे हो रहा है देखो, ये दोनों सेलेक्ट हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं वन। अभी यहाँ पर जेड का सिलेक्शन है तो हेयर बी पुट जेड, यहाँ पर सिलेक्शन जेड डेस का तो यहाँ जेड डेस हो जाएगा, और यहाँ पर कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसको सिंपली मल्टीप्लेक्स करके सर्किट में लगाना होता है। या यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू दिख रही है ना आपको, दोनों वन दिख रही है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, वन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जीरो वन दिख रहा है, जीरो वन आपको किसकी तरह दिख रहा है, जेड की तरह दिख रहा है, जेड हो गया। वन जीरो आपको जेड डैश की तरह दिख रहा है, और यहाँ पर दोनों न्यू दिखाई दे रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है मतलब जीरो हो गया। सेम थिंग यहाँ से भी थी। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली एक सर्किट लेता हूँ मैं, आपको मल्टीप्लेक्सर का सर्किट बनाता हूँ, सर्किट बनाते हैं उसमें आपको इंप्लीमेंट करना सिखा देता हूँ इसको। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम, मल्टीप्लेक्सर का अभी आपको ब्लॉक डायग्राम बताई है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर ये मैंने आपको बनाया, तो यहाँ पर मैंने लिखा I0, यहाँ लिखा मैंने I1, यहाँ लिखा मैंने I2, यहाँ लिखा मैंने I3। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा S0 और S1। ठीक है, आपने ये बनाई, ये बनाई, ओके, एक्स वाई जेड थे आपके, ये हो गया आपका एक्स, ये आपका हो गया वाई। अभी चार में बात आती है, क्या होगा, यहाँ पर लिखूंगा 4×1 और यहाँ लिखूंगा मैं F। अब इनमें से कौन कौन सा जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना, आप सब सिखाते हैं। अब ये देखो I0 पर तो कितना गया, यहाँ से मैंने 1 लिया ना, 1 को मैंने भेजा I0 में, और I3 पर भेज दिया मैंने इसका नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ मैंने लिया जेड, जेड मेरा किस में जा रहा है, I1 में जा रहा है, और जेड डैश मेरा जा रहा है I2। तो ये सिंपली सर्किट बन गया। किसी किसी बुक में इस सर्किट की बजाय आपको ऐसा भी लिखा दिखाई दे सकता है, जैसे ये आपका 1 यहाँ गया ना, ये आपका 1 गया, तो यहाँ अगर 0 गया तो कोई भी बुक ऐसा भी इंडिकेट करेगी आपको, यहाँ 0 आपको लिखा दिखाई देगा, यहाँ पर जेड डैश ऐसा लिखे हुए इंडिकेट करा हुआ। बहुत सारे सेम थिंग्स, कोई इसमें इतनी बड़ी माथापच्ची नहीं है। ठीक है, अभी तो ये तो काम हो गया इसको लेकर, जब मैंने जेड को लिया था यहाँ पर डेटा इंडिकेट करने के लिए, अब मैं जेड के बजाय दूसरा वाला वैल्यू उसको इंडिकेट करने के लिए ले रहा हूँ, तो अब मैं लिखता हूँ कि एक्स वाई जेड में से अब मैं उठाता हूँ वाई को, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाई डैश और यहाँ पर लिखूंगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पर ये आ जाता है, और ऊपर से वही I0, I1, I2 एंड I3 ये आ गया। अभी 0, 1, 3, 4 ही फिर से सेलेक्ट होंगे, कोई उसमें वो नहीं है, 0, 1, 3 और 4 ये सिलेक्ट हो गए, ये सिलेक्ट हुए तो आपको आउटपुट कुछ अलग दिखाई देंगे। आउटपुट कैसे दिखाई देंगे आपको, आपको आउटपुट दिखाई देगा वाई डैश 1 और फिर से वाई डैश और 0, ये आपको आउटपुट दिखाई दे। अब आपने मक्स बनाना है तो मक्स कैसे बनेगा इसका, इसका मक्स बनाने के लिए फिर से हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पर तो क्या जाएगा, जैसे आपने कहा नहीं एक्स वाई जेड था, अब आपने जेड को उठा के इधर भेजा, तो ये जेड एक्स वाई ऐसा होगा ना, तो ये आपके जो S0 और S1 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर जेड और यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब यहाँ पर जो आपके I0, I1, I2 और I3 थे इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, देखो वाई डैश आ रहा है I0 पर ना, ये आपने वाई लिया, वाई का आपने डैश बनाया, Y0 में गया, और I1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है बिल्कुल, और I2 पर भी वाई डैश ही जा रहा है, तो वाई डैश को मैं यहाँ भी भेज देता हूँ और इसके आगे मैं लिखता हूँ 0। तो ये मेरा सिंपली ये सर्किट बन गया, टू ड्रॉ दिस सर्किट, ये हो गया। अब इसमें जो थर्ड बचता है, तीसरी वाली लाइन को सिलेक्शन लाइन लेके जब हम बनाएंगे तो उसमें हम मक्स कैसे करके ड्रॉ करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं धीरे से। ठीक है यार, तो वेरी सिंपल एग्जांपल, अब अगला वाला भी हम इसके लगे हाथ इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक जेड डैश और यहाँ पर लिया हम लोगों ने जेड, तो फिर यहाँ पर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी जेड तो ले लिया था हमने, ये हम एक्स डैश और एक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि आप किसको राउंड करना है, 0, 1, अगेन 3 और here 4, ये हम लोगों ने कर लिया, 0, 1, 3, 4 को हमने राउंड कर लिया। राउंड कर लिया तो हम लोगों ने सिंपली कोई आउटपुट देख लो, यहाँ पर दोनों सेलेक्ट हैं तो ये हो गया आपका 1, ये ऊपर वाला हो गया आपका एक्सप्रेस, ये आपका हो गया 0 और ये आपका हो गया फिर से अगेन एक्स डैश। फिर हमने क्या करना है, इसको मक्स में इंप्लीमेंट करना है, अभी तक हम बहुत बार कर चुके हैं इसको, तो अब तो मुझे लग रहा है ये तो आपका आपके लिए बहुत ईजी काम हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 4×1 लिखना है,
यहाँ पर लिखना है S0, यहाँ पर लिखना है S1, ठीक है, ये आपने लिखना है। यहाँ पर लिखना है आपने I0, I1, I2 और I3, ये आपने चार लेने हैं, ये आपने चार इनपुट आगे बढ़ा दिए। अभी चार इनपुट लेने के बाद आपने इसमें जो मेन काम वो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। S0, S1 तो आपका हो गया एक्स वाई जेड में, तो ये सिंपली आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया जेड। अभी ये क्या है, वन है I0, ये आपका बन गया, और I1 क्या है आपका एक्सप्रेंस है, तो यहाँ पर एक एक्स लीजिए और यहाँ पर एक नॉट गेट बनाइए, इसको आगे पास कर दीजिए। उसके बाद I2 में क्या था, जीरो था, I2 के आगे लिख दीजिए जीरो, और I3 में भी आपका एक्सप्रेस गया, तो इसको पास कर दीजिए। तो ये हो गया कि फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हम मकसद से कैसे करते हैं। तो वी हैव दिस आइडिया, तो यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर का यूज कैसे होता है और उसके फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरीज बची हैं, कोई कंसेप्ट बचे हैं, तो यू कैन ask me that queries in my comment section and I will be happy to answer those queries. So thanks for liking, thanks for viewing.